संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। निलंबित सांसदों को चैंबर लॉबी गैलरी में एंट्री नहीं दी जाएगी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने ये सर्कुलर जारी किया है। सांसदों के निलंबन पर संसद में हंगामे के आसार हैं और दोनों सदनों से निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर 144 हो गई है। संसद सुरक्षा चूक मामले पर भी हंगामा हो सकता है। आपराधिक कानून से जुड़े 3 विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी, वे बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी। और शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है, निलंबित सांसदों को चैंबर लॉबी गैलरी में एंट्री नहीं दी जाएगी और लोकसभा सचिवालय ने यह सर्कुलर जारी किया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं सांसदों के निलंबन पर संसद में हंगामे के आसार और दोनों सदनों से निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर अब 141 हो गई है। रवि कालीनमन हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, लगातार इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से मीटिंग भी की जा रही है और हंगामे के आसार भी दिए जा रहे हो, कहा जा रहा है कि इनको लॉबी में अभी एंट्री नहीं होगी, क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल सविता, देखिए मंगलवार को निलंबित किए गए सांसदों को मिलाकर अब तक निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 पहुंच गई है। जी, इनमें 95 जो सांसद हैं वो लोकसभा के हैं और 46 राज्यसभा के सांसद हैं। जी, इसमें से पहले भी इतनी बड़ी संख्या में भी सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया था, इसलिए इस निलंबन को अभूतपूर्व भी कहा जा रहा है। इससे पहले 15 मार्च 1989 को लोकसभा में 63 सांसदों को निकाला गया था। ये सांसद इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग जो है वो कर रहे थे, तब इनको निलंबित किया गया था। अब की निलंबन की कार्रवाई को कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार जो है लगातार विपक्ष मुक्त जो है संसद देखना चाहती है, इसलिए बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ 3 बिल जो है सरकार सदन में पेश करना चाहती है जी। और उन बिलों पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, इसको लेकर कहीं ना कहीं इतने बड़े नंबर्स पर जो है निलंबन तमाम सांसदों का किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सांसदों के निलंबन पर संसद में हंगामे के आसार हैं और साथ ही आपको बता दें कि दोनों सदनों से निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर अब 141 हो गई और वाकई में एक बड़ा आंकड़ा है जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार हंगामे कर रही है।